नमस्कार, आज के वीडियो में बात करेंगे लीवर सिस्ट के बारे में और समझेंगे कि लीवर सिस्ट आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स यानी कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और ये किन कारणों की वजह से हमारे शरीर में हो जाता है यानी कि इसके कॉजेज के बारे में, और आखिर में हम समझेंगे इसके इलाज यानी कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो बात करेंगे लीवर सिस्ट की, तो ये एक तरह की लीवर में होने वाली समस्या है। अब चूंकि लीवर में होने वाली समस्या है तो पहले हम समझ लेते हैं लीवर के बारे में। लीवर को एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पे एक फिगर बना दूं बेसिकली। देखिए, लीवर कुछ इस तरह की आकृति होती है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होती है। इसमें दो लोब्स होते हैं, एक छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है। ठीक है, ये दो लोब्स में बटा हुआ होता है। अब आप सोच रहे होंगे एब्डोमिनल कैविटी क्या है। देखिए, एब्डोमिनल कैविटी उस हिस्से को बोलते हैं जिसके अंदर हमारे खाने का पाचन होता है, यानी कि जो हमारा पेट है। ठीक है, जो हमारा, जिसको हम जनरल भाषा में स्टमक या फिर पेट भी कहते हैं, इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर साइंस की भाषा में इसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो ये जो लीवर होता है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में सबसे ऊपर दाहिने साइड में उपस्थित होता है। मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर मैं अपनी बॉडी में बताऊँ, ये हमारा पेट है। ठीक है, पेट का मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर और दाहिनी तरफ यानी कि कुछ यहाँ पे ऐसे यहाँ पे उपस्थित होता है। इसके अगर कलर की बात करें तो ये रेड इज ब्राउन कलर का होता है। इसके बॉडी वेट की बात करें तो ये 1.5 केजी का होता है एक एडल्ट में। ठीक है, एक जो एडल्ट मैन होता है उसके अंदर ये 1.5 केजी का होता है। देखिए, मैन टू मैन ये वेरी भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट में बता रहा हूँ। मैन टू मैन ये वेरी भी कर सकता है मैन के बॉडी मास के ऊपर, उसके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर या फिर उसकी बॉडी हाइट वगैरह के अकॉर्डिंग भी ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके काम के बारे में। इसका काम बेसिकली होता है हमारे खाने का डाइजेशन करना, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में जो भी फूड आता है उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। अब ये हेल्प कैसे करता है, देखिए होता क्या है कि इसके अंदर से कई सारे जूसेस सीक्रेट होते हैं, कई सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कई सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो हमारे खाने का डाइजेशन करते हैं। सबसे ज़्यादा जूस जो सीक्रेट होता है उसको बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, तो ये बाइल जूस का निर्माण करता है जो हमारे खाने को एक एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो खाना है वो ठीक ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारे अंदर जो भी आने वाले जो भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट का मतलब जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं जो हम खाने के माध्यम से खा लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई फ्रूट खा लिया जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, वो थोड़ा बहुत टॉक्सिक हुआ, तो ऐसी कंडीशन में ये लीवर जो है उसकी टॉक्सिसिटी को, उसके जहरीलेपन को ख़त्म कर देता है। मान लीजिए हम शराब पी रहे हैं या फिर ऐसी कोई नशे वाली चीज़ें खा रहे हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है, तो लीवर उसे भी ख़त्म करने का काम करता है। और साथ ही साथ जो लीवर होता है इसके अंदर ही प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में प्रोटीन पाई जाती है, तो प्रोटीन का निर्माण बेसिकली इसी लीवर के अंदर होता है। तो ये तो बात हो गई लीवर के बारे में। अब हम समझ लेते हैं सिस्ट क्या होता है। देखिए, बहुत लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि सिस्ट जो होता है वो एक तरह का कैंसर होता है। मैं आपको बता दूं कि सिस्ट एक अलग चीज़ है, कैंसर एक अलग चीज़ है। ठीक है, सिस्ट एक छोटी सी चीज़ है जो आराम से मेडिकेशन के थ्रू यानी कि दवाओं के थ्रू ठीक किया सकती है या फिर कोई सर्जरी, छोटी मोटी सर्जरी करके भी ठीक की जा सकती है। कुछ जगहों की सिस्ट थोड़ी हानिकारक हो सकती है या फिर कह सकते हैं कि उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। जैसे फीमेल में ओवरी की जो सिस्ट होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक ट्रीट की जा सकती है। देखिए, सिस्ट को अगर साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो आपके शरीर पर कभी ना कभी से हाथ पैर पर कभी ना कभी आपके शरीर पर दाने पड़े होंगे छोटे छोटे, जैसे बरसात के दिनों में अक्सर दाने पड़ जाते हैं, कोई गंदा पानी आ गया या फिर एनवायरमेंट में कोई बैक्टीरिया या फिर कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसके थ्रू हमारे शरीर पर दाने पड़ जाते हैं, या आपके फेस पर पिंपल पड़े होंगे छोटे छोटे से जब आप टीनेज में रहे होंगे, या जो लोग भी टीनेज में मुझे देख रहे हैं उन लोगों के फेस पे एक आध पिंपल पड़े होंगे। तो जो पिंपल होता है बेसिकली एक छोटा सा दाने जैसी आकृति होती है, उसके अंदर कभी कदा पस भरा हो सकता है या कभी कदा एक पानी जैसा सब्सटेंस भरा रहता है या कभी कभी वो ठोस होता है। अब जो बॉडी सरफेस के बाहर जो चीज़ें यानी कि जो हमारी स्किन पे जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे फेस पे जो चीज़ें, जो दाने पड़ते हैं उनको हम दाने या फिर पिंपल कह देते हैं। लेकिन यही दाने, ठीक है, यही दाने या फिर यही पिंपल जैसी आकृतियाँ अगर इंटरनल ऑर्गन में पड़ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं सिस्ट। ऐसी ही समस्या इस लीवर के ऊपर आ जाती है। ठीक है, ये जो लीवर है इसके ऊपर भी छोटे छोटे से दाने पड़ जाते हैं, इसी को बोलते हैं लीवर सिस्ट। ठीक है, जो लीवर सिस्ट है वो खतरनाक समस्या नहीं है एक हद तक। देखिए, स्टार्टिंग में, ठीक है, जब छोटे छोटे से दाने होते हैं तो लीवर को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इवन ये जो लीवर है इसके ऊपर हमेशा ही छोटे छोटे से सिस्ट पाए जाते हैं। देखिए, होता क्या है कि इसके अंदर से बहुत सारे जूसेस सीक्रेट होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ इसके अंदर चल रही होती है, केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है, ऐसे में इसके ऊपर छोटे छोटे सिस्ट बनते रहते हैं और
खत्म भी होते रहते हैं, तो इससे हमें कोई समस्या नहीं होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे समस्या आखिर कहाँ होती है। देखिए मैं बता दूं कि यही सिस्ट जब बड़ा रूप ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक सिस्ट है और ये एक बड़ा रूप ले लिया, मान लीजिए ये सिस्ट है और ये एक बड़ा हो गया, ये सिस्ट बड़ा हो गया, ऐसी कंडीशन में हमारे लीवर के अंदर समस्याएँ आने लगती हैं या फिर हमें दिक्कत होने लगती है या फिर हमें एक लंबे एक बड़े पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं लीवर सिस्ट। अभी जो लीवर सिस्ट की समस्या है या फिर इसकी बीमारी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक, मैं यहां लिख दूं, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज। ये जो सिस्टिक की समस्या है लीवर के ऊपर उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज होती क्या है। अब हम समझ लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बताया, जब ये इनिशियल स्टेज पे होते हैं, जब ये स्टार्टिंग में होते हैं तो छोटे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे से जब होते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, यानी कि कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते। लेकिन जैसे ही इनकी साइज बढ़ने लगती है वैसे ही हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पेन शुरू हो जाता है, दर्द होने लगता है या फिर मरोड़ जैसी कंडीशन। आपने देखा होगा कभी कदा आपके मरोड़ होता है बहुत तेज़ी से, यहाँ जो लीवर का हिस्सा है बेसिकली यहाँ पे मरोड़ जैसी कंडीशन बनती है, या फिर आपको कुछ केसेस में आपको वॉमिटिंग कंडीशन बन सकती है, आपके शरीर में दर्द होने की भी कंडीशन बन सकती है, आपको कभी कदा फीवर भी आ सकता है इसकी वजह से। कुछ केसेस में ये जो लीवर सिस्ट है वो जब डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर ये फट जाता है तो ऐसे में इसके अंदर से ब्लीडिंग भी होने लगती है। या इसको पहचानने का या फिर इसके सिम्टम में एक और सिम्टम आता है वो ये कि जब ये सिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है और हमें मान लीजिए कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं हो रहा है या फिर हमारे शरीर में कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ये जो सिस्ट हैं जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, पफ जैसी आकृति, बड़ी सी आकृति हो जाती है, तो आप ऐसे जब लीवर के ऊपर, जैसे देखिए जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके ऊपर ऐसे लीवर वाले हिस्से जब आप टच करेंगे तो यहाँ पर उभरा हुआ सा फील होगा। तो यानी कि इसे बाहर से भी एग्जामिन किया जा सकता है, यानी कि इसे बाहर से भी टच करके फील किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं लीवर सिस्ट की कंडीशन में। अब बात आती है इसके कॉजेज के बारे में, यानी कि कारण के बारे में कि किस वजह से, किन किन कारणों की वजह से लीवर सिस्ट की समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। बात कर लेते हैं कारण के बारे में। अगर हम पहले रीजन के बारे में या फिर पहले कारण के बारे में बात करूं या पहले कॉज के बारे में बात करूं तो पहला जो बड़ा कॉज है वो ये कि यहां जो लीवर के अंदर जो बाइल जूस सिक्रीट हो रहा होता है तो लगातार सिक्रीट हो रहा होता है, लेकिन लगातार हम खाना तो खाते नहीं है, ऐसी कंडीशन में ये जो बाइल जूस है अगर वो अंदर जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, तो ऐसे में स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लेयर पे, ठीक है, जो अंदर की जो लेयर है उसे नुकसान पहुंचाने लगेगा। ऐसी कंडीशन में इस यहां से जो बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है उसे स्टोर करके रखने के लिए एक थैली जैसी आकृति यहां पे लगी हुई होती है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर लीवर से एक छोटी सी डक्ट के द्वारा जुड़ा होता है, डक्ट का मतलब होता है एक छोटी सी पाइप जैसी आकृति, ठीक है, तो एक डक्ट के द्वारा लीवर से जुड़ा हुआ होता है। मैं यहां पे एक रफ फिगर बना रहा हूं इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक डक्ट के द्वारा लीवर से ये गॉल ब्लैडर जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं बाइल डक्ट। मान लीजिए कि जब बच्चे का विकास हो रहा है ऐसी कंडीशन में ये जो बाइल डक्ट है ये ठीक ढंग से डेवलप नहीं हो पाया, इसका फॉर्मेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाया, ये एक तरह की पाइप जैसी आकृति होती है छोटी सी, ठीक है, छोटी सी पाइप जैसी आकृति होती है। आप जब रियल फिगर में देखेंगे तो ये कुछ ब्लू कलर की, आप नेट पर जब सर्च करेंगे इसकी फोटो तो आप कुछ ये ब्लू कलर की या पर्पल कलर की दिखाई देगी, ठीक है, तो एक तरह की पाइप जैसी आकृति होती है। बच्चे के विकास के दौरान इसका अगर मान लीजिए फॉर्मेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाया या फिर मैल फॉर्मेशन हुआ, ये गड़बड़ हो गया, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ऐसी कंडीशन में जो पाइप है, पाइप जैसे आकृति, यानी कि जो बाइल डक्ट है वो संकरी या फिर पतली, अंदर से संकरी या फिर पतली हो जाती है। पतली होने की वजह से इस लीवर के अंदर जो बाइल जूस बन रहा है वो ठीक ढंग से गॉल ब्लैडर के अंदर नहीं आ पाता, जिस वजह से कुछ बाइल जूस इसी के अंदर रह जाता है और इसे नुकसान पहुंचाने लगता है, जिस वजह से भी सिस्ट की समस्या लीवर के ऊपर देखी जा सकती है। साथ ही साथ ये जो लीवर सिस्ट की समस्या है या फिर पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज है, ये एक तरह के कॉन्जेनाइटल डिजीज भी होती है। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है कि भ्रूण में जब बच्चे का विकास हो रहा होता है, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है उसी टाइम पे ये समस्या आ जाती है। जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है माँ के गर्भ में, ऐसी कंडीशन में जब उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं या बन रहे होते हैं, ऐसे में भी कुछ समस्याओं की वजह से, कुछ कारणों की वजह से लीवर के ऊपर सिस्ट आने की चांसेस बढ़ जाती है। धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है, ऐसे में लीवर सिस्ट भी ग्रो करता जाता है, तो आगे चल करके उसके अंदर लीवर सिस्ट की एक गंभीर समस्या हो जाती है। साथ ही साथ ये एक तरह की पैरासाइट की वजह से भी हो जाता है, एक तरह का पैरासाइट जिसको बोलते हैं एकाइनो, एक सेकेंड,
जिसको बोलते हैं एकाइनो कोकस, ठीक है, इसको बोलते हैं एकाइनोकोकस। एकाइनोकोकस एक तरह का पैरासाइट होता है जो कैटल्स में पाया जाता है। आप कहेंगे कैटल्स क्या होता है, कैटल्स यानी कि जानवर, जो चरने वाले जानवर होते हैं, गाय भैंस ये सब जो जानवर होते हैं बेसिकली ये सब कैटल्स में आते हैं, ठीक है। कैटल्स के अंदर ये जो पैरासाइट है ये पाया जाता है, और जब वो डंग करते हैं, जब गोबर करते हैं, तो ऐसे में ये पैरासाइट यानी कि एकाइनोकोकस बाहर आ जाता है, बाहर एनवायरनमेंट में आ गया। एनवायरनमेंट में जैसे ही आया वो एनवायरनमेंट की एयर में मिक्स हो जाता है। एयर में मिक्स होने की वजह से, या फिर मान लीजिए गोबर पे आपका पैर पड़ गया या आसपास में, ऐसा नहीं गोबर से घबराना है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी गंदगी में वो रह गया और वहाँ पे एकाइनोकोकस पैरासाइट पड़ा रह गया, ऐसी कंडीशन मान लीजिए आप नंगे पैर गए या फिर किसी वजह से आपके फूड आइटम में या फिर एयर के माध्यम से आपके अंदर ये एंटर कर गया, ऐसी कंडीशन में ये जो एकाइनोकोकस है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ग्रो करने लगेगा। जब ग्रो करने लगेगा यानी कि जब बड़ा होने लगेगा, तो एक तरह का टॉक्सिक एलिमेंट सिक्रीट करता है, जिस वजह से भी लीवर के ऊपर सिस्ट आने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक। तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेज के बारे में। एक और कॉज इसका है वो है एक तरह का हेरिडिटरी कैरेक्टर। ये जो पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज है या फिर ये जो सिस्ट की समस्या है वो एक तरह की हेरिडिटरी भी होती है। हेरिडिटरी का मतलब होता है आनुवंशिक, यानी कि हमारे खानदान में अगर किसी को कभी लीवर की समस्या या फिर सिस्ट की समस्या या किसी भी तरह के सिस्ट की समस्या है, मान लीजिए किसी फीमेल को ओवरी में सिस्ट की समस्या है या फिर किसी भी प्रकार की सिस्ट की समस्या है, तो ऐसी कंडीशन में आने वाली पीढ़ियों में भी किसी एक में ये लक्षण देखे जा सकते हैं, यानी कि लीवर सिस्ट की समस्या उसके अंदर हो सकती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक तरह की हेरिडिटरी समस्या भी है, पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, क्या क्या खतरनाक समस्या इसकी वजह से हो सकती है। देखिए, मैंने बताया कि जब इनिशियल स्टेज में होता है तो ऐसे में हमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है तो हमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, मरोड़ जैसी कंडीशन, मैंने कई सारे सिम्टम्स आपको बताए। लेकिन अगर ये बड़ा होते होते किसी वजह से फट जाता है, ठीक है, या फिर ये लीक कर जाता है, तो इसके अंदर से कुछ पस जैसा निकलने लगता है, या फिर इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, फिर जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो बाहर आने लगता है। ऐसी कंडीशन में यहां आसपास के इंटरनल ऑर्गन्स पे ये इंफेक्शन फैला सकता है। और साथ ही साथ अगर ये लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा सिस्ट बन गए, ठीक है, कई सारे सिस्ट लीवर के ऊपर बन गए, तो ऐसी कंडीशन में ये लीवर को परमानेंटली भी डैमेज कर सकते हैं। हालांकि जो लीवर होता है उसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है, यानी कि 70% अगर लीवर खराब हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये खुद को सुधार सकता है, यानी कि लीवर अगर 70% तक भी खराब हो गया तो भी ये खुद को पहले जैसा ठीक कर सकता है। लेकिन अगर 70 से ऊपर खराब हो गया या पूरे से लीवर के ऊपर सिस्ट आ गया, तो ऐसी कंडीशन में लीवर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। अब बात आती है इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो डायग्नोसिस के लिए जैसे ही आपको पता चलता है या फिर आपके दर्द होता है, ऐसी कंडीशन जो आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो आपको कुछ ब्लड टेस्ट लिखता है या फिर कुछ एक आपका अल्ट्रासाउंड करवा सकता है या सिटी स्कैन वगैरह ऐसे कुछ चेकअप करवा करके वो चेक करेगा कि आपके जो लीवर पे सिस्ट है कि नहीं है। अगर है तो वो किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है, क्या कंडीशन बनी हुई है, लीवर में ज़्यादा समस्या तो नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें वो पता करने का प्रयास करेगा। या फिर ब्लड टेस्ट के माध्यम से वो एकाइनोकोकस पैरासाइट के बारे में ही पता करने का प्रयास करेगा कि एकाइनोकोकस पैरासाइट आपके अंदर मौजूद तो नहीं है। अगर आप इसकी मौजूदगी होती है आपके शरीर के अंदर, तो ऐसे कंडीशन में वो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देगा, कुछ दवाएं देगा, जिससे एकाइनोकोकस को किल किया जा सकता है, यानी कि खत्म किया जा सकता है, जिस वजह से इसका जो टॉक्सिक एलिमेंट है हमारे अंदर नहीं प्रोड्यूस होगा, निकलेगा नहीं। तो ऐसे में ये धीरे धीरे खुद ही जो सिस्ट हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके अंदर सिस्ट की समस्या ज़्यादा बढ़ गई, ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन करके या फिर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपी, जिसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपी, ठीक है, इसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपी। अगर ये सिस्ट मान लीजिए बड़े हो गए, इसके अंदर इसके अंदर पस भरा हुआ है या फिर इसके अंदर कोई लिक्विड सब्सटेंस भरा है जो हार्मफुल है, जो टॉक्सिक है, उसको निकालने के लिए इसके अंदर एक नीडल इंसर्ट की जाती है, एक सुई इंसर्ट की जाती है, जिसके थ्रू इसके अंदर भरा हुआ सारा पस निकाल लेते हैं और धीरे धीरे ये सूख जाता है। बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं लैप्रोस्कोपी। ये बाहर से जाती है, इसके लिए कोई चीड़ा उड़ा नहीं लगाया जाता, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में डॉक्टर को लगता है कि लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो आपको डॉक्टर इस लीवर को ट्रांसप्लांट करने के लिए भी सजेस्ट कर सकता है, यानी कि लीवर को फिर ट्रांसप्लांट करने की ही या फिर इसको बदलने की ही
चांसेस बनती है। तो बेसिकली ये रहा लीवर सिस्ट के बारे में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि लीवर सिस्ट के बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।